जब भी कोई इंसान कोई नया घर खरीदे या नया घर बनाए तो उसके ताकीदी मुस्तहबात में से है कि उस घर में एक सेपरेट रूम सिर्फ नमाज के लिए बनाए, यानी नमाज के लिए जगह वक्फ कर दे और वहाँ हर वक्त मुसल्ला बिछा रहे कि जैसे ही नमाज का वक्त आए आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत ना हो, बस वुजू करें और फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन अगर किसी का घर इतना बड़ा नहीं है कि सेपरेट रूम नमाज के लिए वक्फ करें तो इसको चाहिए कि पूरे घर में कहीं भी एक मुसल्ला यानी जानमाज बिछा कर नमाज की जगह को फिक्स कर दे और हर वक्त वहाँ वो जानमाज बिछी रहे, क्योंकि रिवायात में मिलता है कि ऐसी जगह पर हर वक्त रहमत के मलाइका का नुजूल होता रहता है, चाहे आप वहाँ नमाज पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों। और ये भी रिवायात में मिलता है कि जब इंसान सकरात मौत की कैफियत में हो, यानी उसका आखिरी वक्त हो या आखिरी सांसें ले रहा हो, तो अगर मुमकिन हो तो उसको उस जगह पर ले जाकर लिटा दें जहाँ वो नमाज पढ़ा करता था। इससे उसकी रूह बहुत आसानी से निकल जाती है।